हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्वर पढ़े थे, है ना? स्वर पढ़े थे। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो जो हमारी बुक है, हमारी पाठ्य पुस्तक की जो बुक है, उसमें यहाँ पर देखते हैं हम ऐसा नंबर 1 पेज नंबर 38 पे व्यंजन भी दिए गए है ना। स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या बनती है? हमारी हिंदी की वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है, पूरी होती है ना। तो हमने स्वर पढ़ लिए हैं, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, तो क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घड़ा, घ से घड़ा, इंगा इंगा इंगा। तो बच्चों, इस तरह से आपको अभी हमने जस्ट ये पढ़ा है, लेकिन हम लिखेंगे क्या? सिर्फ हम व्यंजन लिखेंगे। क ख ग घ इंगा, हम ये 5 व्यंजन लिखेंगे। ओके, और बच्चों आपको इसको पढ़ते रहना है। जैसे हम आ आ ई ई ऐसे पढ़ते रहते ना, वैसे आपको ये भी पढ़ते रहना है ना, ताकि आपको अभी हमने स्वर आ गए हमें, अब हमें व्यंजन भी आ जाए। तो आज हम इसको लिखेंगे भी। ओके, कितने? 5 है ना, 5 व्यंजन लिखेंगे, 5 व्यंजन लिखेंगे। क ख ग घ इंगा, आइए हम लिख लेते हैं ना। सबसे पहले व्यंजन हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। व्यंजन व्यंजन है ना, यहाँ पर डेट डालेंगे। जिस डेट को आपको होमवर्क आएगा, आपको वो डेट डालनी है। फिर मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है, तो को ख ग घ, फिर आएगा इंगा। तो इस तरह से बच्चों आपको लिख लेना है। पहले क क लिख लेते हैं, फिर ख लिखेंगे, है ना। अच्छी राइटिंग में लिखना है। और क लिखा है, अब हम ख लिखेंगे। ओके, ख ख ख ख ख, बोल बोल के लिखना है। और ओके, ख नहीं बना, इसको इरेज कर देते हैं ना। हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है, क्योंकि क्योंकि हमें राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं ना जब हमारे एग्जाम होते हैं। तो ख, इसलिए हमें अपनी राइटिंग भी अच्छी करनी है। ख ख ख तो हमारा क कंप्लीट हो गया, हमारा ख कंप्लीट हो गया। हम आते हैं ग, 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 ग,
ग 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 ख ग। अब हम घा लिखेंगे, घा, घा से घड़ा, घा से घड़ी भी होता है, घा से घोड़ा भी होता है, घ 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 घ। अभी हमने क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, घा लिखा, हम इंगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंगा, इंगा, इंगा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने कितने व्यंजन सीखे? 5 व्यंजन सीखे, क ख ग घ इंगा, है ना, क ख ग घ इंगा। ऐसे बच्चों आपको जो व्यंजन है तो 5 व्यंजन लिखने हैं, क ख ग घ इंगा। ओके बच्चों, अब इसमें जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।